आज मैं सूजी का एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन बनाऊंगी। ये भी जैसे नॉर्मल गुलाब जामुन होता है ऐसे ही सॉफ्ट लगता है खाने के लिए। नमस्कार, गुरुज किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने चीनी लिया है 1 और आधा कप। जिस कप में आप ले रहे हैं सेम कप में आप 1.5 कप लेना है आपको। उसके बाद इसमें सेम मात्रा में पानी डालना है। तो इसको हम चलाएंगे थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए इसको बॉइल्ड करेंगे। अभी देखिए एक उबाल आ चुका है तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चाशनी जो बनने में लगभग 2 से 3 मिनट ही लगता है। अभी हम इसमें 2 जो है इलायची मैंने कूट के ले लिया है और इसमें डाल दिया है फ्लेवर के लिए। अभी हम इसमें डालेंगे कुछ बूंदे जो है नींबू का रस। नींबू का रस ज़्यादा ना डालें, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 बूंदे डाल सकते हैं। अभी हम इसमें लेंगे सूजी। सूजी जो है बारीक वाला सूजी लीजिए। अगर आपके पास बड़ा दाना वाला सूजी है तो उसको ग्राइंडर जार में पीस के ले सकते हैं। इसको आप 1 मिनट के लिए भून लीजिए। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बहुत मतलब कलर चेंज होने तक आपको रोस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा इसका मॉइस्चर उड़ने तक ही रोस्ट करना है। उसके बाद इसमें उबला हुआ दूध जो है 2 कप डालेंगे। जिस कप में आप सूजी ले रहे हैं उसी कप में आपको 2 कप दूध लेना है। अभी इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, मतलब जो दूध है सूजी में ऑब्जर्व हो जाएगा। अभी इसमें 2 टेबलस्पून डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इसमें जो है मावा का टेक्सचर आएगा, मावा जैसा टेस्ट आएगा इसमें। अभी हम इसमें डालेंगे घी 1 चम्मच। इसको अच्छे से मिला लीजिए। अभी थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, लगभग 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। तो एकदम आपका जो सूजी है सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है इसको अच्छे से थोड़ा सा हल्का गर्म रहे उसी टाइम आपको इसको मैश करना है अच्छे से। एकदम अच्छे से मैश कीजिए ताकि सॉफ्ट डो बन जाए। लगभग आपको 4 से 5 मिनट लग जाएगा मैश करने के लिए टाइम। अभी देखिए देखिए थोड़ा बड़ा वाला सूजी है, इसको जो है ग्राइंडर जार में आपको ग्राइंड कर लेना है। जैसे फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। आप बारीक वाला सूजी भी ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से ग्राइंड करके ही लीजिए। तो अभी जो है हमारा डो रेडी है। अगर आप दानेदार सूजी लेंगे बड़ा वाला तो ऐसे बहुत सॉफ्ट नहीं बनेगा और गुलाब जामुन भी फट सकता है। अभी इसको ऐसे बॉल शेप का बना लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसको दबा लेंगे और ऐसे एक टूथपिक से इसको एक डिजाइन दे देंगे। आप अगर ऐसे डिजाइन नहीं बनाना चाहें तो सिंपल आप गुलाब जामुन जैसे तलते हैं ऐसे ही गोल करके ही डायरेक्ट तेल में तल सकते हैं। अभी ये रेडी हो गया है। अभी इसी तरीके से सभी मैंने बना लिया है। अभी एक कढ़ाई में ऑलरेडी मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई जो भी कढ़ाई ले थोड़ा सा डीप वाला कढ़ाई ले। तो ऐसे मैंने फ्लैट वाला लिया है, इसमें थोड़ा सा तलने में दिक्कत आती है, अच्छे से पकता नहीं है। तो जब भी आप कढ़ाई लीजिए उसमें थोड़ा सा डीप जो गहराई रहे उसी टाइप का कढ़ाई आप ले सकते हैं। अभी इसको लगभग 4 से 5 मिनट आपको मीडियम फ्लेम में तलना है। तो ऐसे इस तरीके से पलटते हुए इसको तले। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई
जिस समय आप सूजी का डो बना रहे हैं उस समय एक चुटकी बेकिंग सोडा जो है डाल सकते हैं। अभी हमारा चाशनी जो था इसको इसमें हम डाल देंगे गुलाब जामुन। अभी इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा इसको बॉईल करने के बाद देखिए, थोड़ा सा गुलाब जामुन डाल के 1 मिनट के लिए बॉईल कर लीजिए। उसके बाद 1 घंटे के बाद देखिए कितना बड़ा बड़ा फूल गया है, इसमें जो चाशनी है ऑब्जर्व हो चुका है और एकदम बढ़िया सॉफ्ट बनी है गुलाब जामुन। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। और इस तरीके से आप सूजी से भी गुलाब जामुन बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।